हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो नियंत्रण का उपयोग और लागू करने के तरीके को समझने के लिए 48 महत्वपूर्ण स्टेप्स की जांच करती है। ये लॉज इंसानों को इफेक्टिव ढंग से शक्ति का खेल खेलने और उनकी बिजनेस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्शंस, थॉट्स और टैक्टिक्स प्रदान करती है। ये लॉस कई विषयों को कवर करते हैं, जिसमें इंटेंशंस को छुपाना, मदद मांगना, दुश्मनों को हराना और समय पर महारत हासिल करना शामिल है। रॉबर्ट ग्रीन 18 मिनट्स रेड रीड इन इंग्लिश सेल्फ इम्प्रूवमेंट साइकोलॉजी रिलेशनशिप। हम लेकर आए हैं द 48 लॉज ऑफ पावर किताब की समरी, जिसे अमेरिकन लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जो कि 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों के लेखक हैं। पावर के 48 नियम उनकी पहली किताब थी, जिसकी उनके राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवाद का सामना करना पड़ा, फिर भी ग्रीन अपने आइडियाज के साथ डटे रहे। पावर के 48 नियम उन 48 तरीकों को समझने के लिए है कि कैसे हम अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे और बढ़ा सकते हैं। ये कानून उन काम, विचारों और काम करने के तरीकों से मिलकर बने हैं जो पावर गेम को खेल सकते हैं। लेखक अच्छे से समझते हैं और बताते हैं कि कैसे पावर आपके बिजनेस और वर्क पोटेंशियल को इफेक्टिव बनाता है। ये बुक कॉर्पोरेट लीडर्स और बिजनेस वर्ल्ड के बीच बहुत ही फेमस और हाईली रेकमेंडेड है। इस समरी में हम ग्रीन के सभी 48 कानूनों को समझेंगे। ये समरी थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हमने सभी 48 कानूनों को जाना है और हमने कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे पाठों से समग्र संदेश मिल सके। कुछ कानून बहुत सीधे तौर पर होते हैं, हो सकता है आप उनसे सहमत भी न करें, लेकिन हमारी कोशिश किताब को एज इट इज प्रेजेंट करने की है। गुरु को कभी मात मत दो। ग्रीन का पहला कानून समझाता है कि बिजनेस, काम या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, पोस्ट में आपसे बड़ा आदमी आपसे बेहतर है। ये जरूरी है कि आप याद रखें कि आप उनके नीचे काम करते हैं और यही बात उनको भी याद दिलाते रहे। अपने स्किल्स और टैलेंट को दिखाना बहुत आसान है, पर ये हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा करके आप अपने सीनियर्स को नीचे न दिखाएं। ग्रीन का ऐसा मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को ऐसा फील कराएं कि वो जितने अच्छे हैं उससे भी और आपसे भी बेहतर है, तो ऐसा करके आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आप उनको ऐसा फील करवाएंगे कि उनको अपने रोल और पावर पर शक हो, तो इसे आपको ही नुकसान होगा या आप पीछे रह जाएंगे। दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। लेखक अपने दोस्त, खासकर करीबी दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा न करने की चेतना देते हैं। वो बताते हैं कि आपके दोस्तों को आपसे आसानी से जलन हो जाती है और मौका मिलने पर वही आपको धोखा भी दे सकते हैं। ग्रीन मानते हैं कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसे बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपका इज्जत या विश्वास जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो बेहतर सहयोगी और कर्मचारी बनते हैं। ग्रीन का मानना है कि हमें अपने दोस्तों से ज्यादा डरना चाहिए, ना कि अपने दुश्मनों से। अपने इरादों को छुपाएं। तीसरा कानून बताता है कि हमें लोगों को हमारे इरादे के बारे में नहीं बताना चाहिए। हालांकि आपके काम आपके इरादे की झलक दिखाते हैं, फिर भी उन्हें पता चलने ना दे। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब है कि वो खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे और जवाब देने के सही वक्त पर वो तैयार नहीं होंगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि लोगों को गलत जानकारी देने की, ऐसा दिखाने की कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, ताकि वो उसमें ही फंस जाए। और जब तक आपके इरादे का उनको पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। द 48 लॉज ऑफ पावर लोगों को गलत जानकारी दे, ऐसा दिखाए कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, ताकि वो उसमें ही फंस जाए। हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। ये कानून तीसरे कानून से जुड़ा हुआ है। जरूरत से ज्यादा कभी मत बोलें, जितना मुमकिन हो कम बोलें। ग्रीन मानते हैं कि ज्यादा बोलकर आप खुद की बुराइयां और पूछताछ करने का मौका देते हैं और कुछ अनचाही बात भी मुंह से निकल सकती है। ताकतवर लोग कम बोलते हैं और अक्सर अपनी बात एक ओपन एंड के साथ बोलते हैं। उनका ऐसा करना खतरनाक और प्रभावी दोनों हो सकता है। बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। हम सब जानते हैं कि एक इंसान को उसका नाम और इज्जत बना भी सकती है या मिटा भी सकती है। इंसान की ताकत उसके नाम और इज्जत पर ही टिकी होती है। अगर आपका बहुत नाम है तो आप में एक प्रभावशाली ताकत होती है, जबकि अगर आपका नाम बड़ा और मजबूत नहीं है तो आप आसानी से लोगों की चपेट में आ जा सकते हैं, साथ ही खुद पर हमला करने का मौका भी देते हैं। ग्रीन अपने नाम को मजबूत बनाने की बात पर जोर देते हैं।
अगर आप एक परेशानी को सामने देखें तो उसका खुद पर असर डालने से पहले सामना करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी समझने और उनसे खुद के ही नाम को खराब करवाने की बात को समझाए हैं। हर कीमत पर अदालत का ध्यान। जितना जरूरी आपका नाम है उतना ही जरूरी है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। ग्रीन बताते हैं कि आपको आसानी से सब में घुल मिलकर खो नहीं जाना चाहिए। ये आपके हाथों में है कि आप खुद को अलग कैसे दिखाते हैं या कैसे लोगों की नजर में आते हैं। अगर ऐसा करने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़े तो जरूर करें, या मन चाहा ध्यान बटोरने के लिए अपनी बातों में थोड़ा राज बनाकर रखें। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। ये कानून बताता है कि काम को दूसरे से कैसे करवा जा सकता है। लोगों के पास ज्ञान, प्रतिभा और कौशल जैसी बहुत चीज है दिखाने के लिए। ग्रीन बताते हैं कि हम दूसरे लोगों का पूरा मौका लेना चाहते हैं, हमें वो काम नहीं करने चाहिए जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। दूसरों से काम करवाकर आप अपना वक्त बचाते हैं और ज्यादा कुशल भी बनते हैं। पर ध्यान रहे, जरूरी है कि आप उस काम का क्रेडिट ले और ये पता चलने दे कि सारी मेहनत के पीछे आपका ही हाथ है। अन्य लोगों को अपने पास आने दो, यदि आवश्यक हो तो चारे का उपयोग करो। ग्रीन बताते हैं कि दूसरे से काम कराकर आप कंट्रोल अपने हाथों में लें। आपको कठपुतली मास्टर की तरह बनना है, आप खुद लोगों तक न जाए, लोगों को आपके पास आने के लिए मजबूर कर दें। जरूरत पड़ने पर भले गुस्से का भी सहारा ले, एक बार वो दिलचस्पी दिखाए तो आप अपने प्रभाव या ताकत का इस्तेमाल करके कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पत्ते कार्ड हमेशा आपके हाथों में होना चाहिए। अपने कार्यों से जीते, तर्क से कभी नहीं। आपको किसी बहस से मिली एक पल भर की जीत बिल्कुल बेकार है। ग्रीन मानते हैं कि आपको दूसरे का विश्वास जीतने और अपने साथ करने के लिए अपने शब्दों का नहीं अपने काम का इस्तेमाल करना चाहिए। बहस करना अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से ही दूसरे को प्रभावित करना आना चाहिए। संक्रमण, दुखी और अशुभ से बचें। ग्रीन आपको खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने की बात पर भी जोर देते हैं। ऐसा करके आप अपनी खुशी या सफलता बढ़ाते हैं। अगर आप खुद को दुखी लोगों से घिरे रखेंगे तो हो सकता है आप खुद ही उनका दुख अपने ऊपर ले लें। दूसरों की परेशानी में खुद को परेशान करना बहुत आसान है, तो बेहतर है कि उससे दूर ही रहे। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। 11वां कानून उन दूसरे लोगों से रिश्ता बनने के बारे में है जो आप पर निर्भर है। हमेशा लोगों में अपनी जरूरत बनाए रखने से ही आप अपनी ताकत और आजादी को बनाए रख सकते हैं। अगर दूसरे लोग बहुत ज्यादा आजाद हैं या उनको आपकी सलाह या मदद की जरूरत नहीं है तो वो खुद बहुत ताकतवर बन जाएंगे। अपने साथ काम करने वाले लोगों को सब कुछ ना सिखाएं और उनको सब कुछ करने का मौका भी दें। उनको हमेशा किसी चीज के लिए आपकी जरूरत होनी चाहिए। अपने शिकार को निर्वस्त्र करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। एक बार का सच्चा या कल्पना से किया हुआ काम बहुत से बेईमान काम को छुपा सकता है। खुले दिल या सच्चाई के साथ आप सभी लोगों को झुका सकते हैं। ग्रीन का ऐसा कहने का मतलब ये है कि आप अनगिनत बार बेईमान हो सकते हैं, पर सिर्फ एक बार कल्पना के साथ खुलने से आप उस वक्त भी लोगों का विश्वास जीत सकते हैं जब आप ईमानदार नहीं थे। अगर आप अपनी इच्छाओं का सही से इस्तेमाल करें तो लोग ये मान लेंगे कि आप भरोसे के लायक हैं। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता के लिए कभी नहीं। ये पक्की बात है कि कभी ना कभी आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप ऐसा करें तो अपने किए हुए अच्छे कामों का सहारा न लें, बल्कि ऐसे कोई बात सामने रखें जिसमें दूसरे इंसान को भी अपना फायदा दिखे, क्योंकि ऐसा होने पर लोग ज्यादा आसानी से मदद के लिए राजी हो जाएंगे। चाहे असल में उनका कोई भी फायदा ना हो, पर अपनी रिक्वेस्ट को ऐसे घुमाए कि वो अपना कुछ फायदा देख सके। एक मित्र के रूप में पेश आना, एक जासूस के रूप में काम करना। आपको अपने दुश्मनों को समझना कितना जरूरी है, आपको उनकी ताकतों और कमजोरियों का पता होना चाहिए। इसका सबसे खतरनाक तरीका है कि आप एक जासूस की तरह बने। लोगों से जानकारी निकालना सीखे, उनको सही वक्त पर सही सवाल पूछना सीखे। अगर आप चाहते हैं कि उनको पता न चले कि आप क्या कर रहे हैं तो घुमा फिरा कर बात करें। कोई भी सामाजिक मुठभेद जासूसी के एक मौके की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए। अपने शत्रु को पूरी तरह से कुचल दो। ये कानून बहुत सीधा सा है, ये पूरी तरह पक्का करे कि आपका दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको ये पक्का करना है कि वो पूरी तरह दब चुके हैं, वरना वो पहले उठ खड़े होंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। आपको इस बदले के खतरों से बचना चाहिए। एक बार आप अपने दुश्मनों को दबाना शुरू कर दे तो रुकना नहीं, उनको जवाब देने का कोई मौका ना दे। अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान और सम्मान बढ़ाने के लिए करें।
रहस्यमय होने के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसे कि ग्रीन ने अपने पहले के कानूनों में बात की है। आप ज्यादा दिखने या सुनाई देने से बचना चाहते हैं क्योंकि इससे आप खुद को आम बनाते हैं, साथ ही कोई आप तक आसानी से पहुंच सकता है। समाज से थोड़ा दूर रहे और आपको एहसास होगा कि लोग उत्सुक होंगे, बातें करेंगे या सोचेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं। दूसरों को निलंबित आतंक में रखें, अप्रत्याशितता की हवा पैदा करें। इंसान अपनी आदत से मजबूर है या उससे दूसरे लोगों के काम में झांकने का आदत भी होता है। आपकी भविष्यवाणी उन्हें काबू करने का एहसास दिलाती है, बाजी पलटे और जानबूझकर अनजान बने। ग्रीन बताते हैं कि इंसान होने की वजह से हम उम्मीद करते हैं और उसकी वजह है कि होने वाली चीजों की भविष्यवाणी कर पाना हमें पसंद है। अगर आप अपने इरादों को पता न चलने दे तो वो हैरान हो जाएंगे। अगर उनको आपके प्लान के बारे में पता नहीं होगा तो वो आपसे डर के रहेंगे। अपने आप को बचाने के लिए किलों का निर्माण न करें, अलगाव खतरनाक है। ग्रीन बताते हैं कि अपने हर तरफ किला बना लेना अच्छा लगता है, अपना सेफ जोन बना लेना, पर ऐसा करने में आप खुद को अलग कर लेते हैं और खुद को अलग कर लेना खतरनाक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो जानकारी है वो सीमित है या उसका इस्तेमाल आसान नहीं है। ये आप पर ध्यान आकर्षित करता है और दूसरे लोगों को हमला करने का मौका देता है। आप एक आसान निशाना बनते हैं। आप खुद को अपने साथियों या लोगों से घेरे रखें। इस तरह आप और आपके दुश्मन के बीच बहुत से लोग होंगे। जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। जैसा कि पहले भी बताया गया है, आपको अपने से जुड़े लोगों को, साथ काम करने वालों को और दुश्मनों को समझना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको ताकत देगी। हर कोई अलग है या आप सब पर एक जैसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो सब पर काम कर सके। ग्रीन ऐसे लोगों से बचने की चेतना देते हैं जो धोखा खाने पर बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि उनको शांति न मिले। ये वो लोग नहीं है जिनसे आप लड़े। कोई भी कदम उठाने से पहले ध्यान रहे कि आप किससे सामना करने वाले हैं। किसी के लिए प्रतिबद्ध न हो। आपको अपनी आजादी को एक ताकत मानना चाहिए, कमजोरी नहीं। किसी एक इंसान या किसी एक तरफ होने के जाल में ना फंसे। हमेशा अपने और अपने गोल्स के लिए मजबूत रहे। आजाद रहने से आपके हाथ में सत्ता होगी, लोग आपके पीछे आएंगे और आपसे बहस करना चाहेंगे। ये आपको ऐसा इंसान बनाता है जिसके पास सारी ताकत है। एक सकर वाले को पकड़ने के लिए एक सकर वाले की भूमिका निभाएं, अपने निशान से अधिक बेवकूफ दिखें। ये बात सब जानते हैं कि हम सब बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं। आपने कुछ बेवकूफ किया या कहा हो, ऐसा महसूस करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। ग्रीन आपको अपने ही फायदे के लिए समझदार बनने का बढ़ावा देते हैं। अपने दुश्मनों के बारे में सोचे और उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि वो आपसे भी कहीं ज्यादा समझदार है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये उनमें झूठा भरोसा बना देगा और वो आप पर कभी शक नहीं कर पाएंगे। समर्पण युक्ति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। अगर आप कमजोर तरफ है तो आप हमेशा लड़ने के लिए उत्सुक रखेंगे, चाहे वो आपके अहंकार को पूरा करने के लिए ही क्यों ना हो। ग्रीन ऐसी स्थिति में आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हैं। आत्मसमर्पण से आप खुद को ठीक होने का वक्त देते हैं और इस वक्त उम्मीद है कि आपके दुश्मनों की ताकत खत्म होगी जाएगी, वो बीतते हुए समय में चिड़चिड़ा जाएंगे। उनके ऊपर उठने और आपको हराने से पहले आप बड़े बने और वहां से दूर हो जाए। ये एक ऐसी चाल है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे और ये आपके फायदे में होगा। अपनी शक्तियों को केंद्रित करो। अगर आपको पैसों से भारी एक खदान मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा गहराई तक खुदाई करें तो आपको ज्यादा पैसा मिलता जाएगा। जबकि अगर आप कम पैसे वाली बहुत सी अलग अलग खदानों में जाएंगे तो आपको कम सफलता मिलेगी। द 48 लॉज ऑफ पावर समरी। रफ्तार विस्तार को हरा देती है और यही आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आपको ताकत का कोई साधन मिल जाए तो उसे जाने न दे और उसका पीछे करते रहे। किसी और साधन की तरफ न जाए जब पहले से ही सबसे बेहतर साधन आपके सामने हो। सही दरबारी की भूमिका निभाएं। एक अच्छा दरबारी सिर्फ ऐसी दुनिया में सफल है जहां सब कुछ ताकत या राजनीति के कौशल के आसपास घूम रहा है। उसने गलत दिशा में घुमा देने की कला में महारत हासिल कर ली है। वो अपनी ताकत को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। एक दरबारी के कानूनों को इस्तेमाल करना सीखें और फिर आपके ऊपर उठाने की कोई सीमा नहीं होगी। अपने आप को फिर से बनाएं। समाज आप पर कुछ उम्मीद को थोपने की कोशिश करेगा, पर आपको इसे मानने की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद को फिर से बनाने की काबिलियत है। आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। किसी को ये बताने का हक ना दे कि आप कौन हैं और आपको कैसे काम करना चाहिए।
आपको ऐसा इंसान बनना है जो ध्यान देता है और जिसका कैरेक्टर मजबूत और ताकतवर है। अपने हाथों को साफ रखें। आपको एक अच्छी तरह से सम्मानित और अच्छे व्यवहार वाले नागरिक के रूप में दिखना चाहिए। ये कभी ना महसूस होने दे कि आपने भ्रष्टाचार और चालाकी में अपने हाथ गंदे किए हैं। आपकी दिखावट आपकी ताकत के लिए जरूरी है और आपको अपनी इज्जत नाम को पकड़ कर रखना चाहिए। ग्रीन ने सलाह दी है कि दूसरे लोगों को उन बुरे कामों का दोष लेने दे और सबके सामने अपने हाथ कभी गंदे ना करें। कल जैसी फॉलोइंग बनने के लिए लोगों की विश्वास करने की जरूरत पर खेल। हर कोई खुद को किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है और सब मानते हैं कि वो जिस चीज से जुड़े हैं वो उससे भी बड़ी है। लोग हमेशा किसी चीज या इंसान को ढूंढते रहते हैं ताकि उनकी जरूरत या इच्छा का फायदा उठा सकाए। ऐसे लोगों को पाने के लिए बहुत सी उम्मीदों का वादा करें, उत्सुक बने और लोगों के फॉलो करने के लिए नई नई चीजें देते रहे। लोगों को चलाने के लिए उनको बलिदान देने के लिए तैयार करें। इस तरह आप विश्वास और अपने चाहने वाले बना सकते हैं। निर्भीकता के साथ कार्य करें। इस कानून में हमेशा इरादे और भरोसे के साथ रहने की जरूरत पर जोर दिया है। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो कुछ भी शुरू न करें। कोई भी संदेह आपको परिणाम नहीं दिला पाएगा। साहस आपको बहुत ताकत देगा। अंत तक योजना बनाएं। किसी भी काम को शुरू से लेकर आखिर तक प्लान करें। जरूरी है कि आप आखिरी गोल का पहले अनुमान लगा ले ताकि आने वाली परेशानियों को समझने का मौका मिल जाए। प्लानिंग से आप बेहतर तरीके से काम के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी चीज में बिना तैयारी के ना घुसे। हमेशा आखिरी लक्ष्य का पता करें और कुछ कदम आगे की सोचे। अपनी उपलब्धियों को सरल बनाएं। भले ही आपने किसी काम में कितना भी समय ताकत और मेहनत लगाई हो, आप चाहते हैं कि आपके परिणाम ऐसे दिखे जैसे वो स्वाभाविक रूप से और आसानी से पूरे हो गए। ऐसा दिखाना कि आप थोड़ी मेहनत से कितना कुछ पा सकते हैं आपकी ताकत को बढ़ाता है। और जब पूछा जाए तो ये ना बताएं कि आप वहां तक कैसे पहुंचे या आप कैसे काम करते हैं। साफ तरीके से कुछ ना बताएं और लोगों को आपके रिजल्ट से इम्प्रेस होने दे। अपने सीक्रेट्स ना खोले। विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को अपने द्वारा निपटाए गए कार्यों के साथ खेलने के लिए कहें। लोगों को धोखा देते वक्त आप ऐसा चाहते हैं कि उनको लगे कि उनके पास और भी ऑप्शन है। उनको ऐसा लगने दे कि कंट्रोल उनके हाथ में है जबकि आप कानून बना रहे हैं। अगर आप एक ऑप्शन दो रिजल्ट के साथ दे सके तो भी आपको ही फायदा होगा क्योंकि आपके दुश्मनों को लगेगा कि उसने फैसला लिया है और यही आपके रूल करने का कारण बन जाएगा। ऐसा माने कि आपने उन्हें दो बुरी चीजों में से कम बुरी चीज को चुनने का मौका दिया है। लोगों की कल्पनाओं के अनुरूप कार्य करें। सच अक्सर बुरा, नकारात्मक और ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, इसलिए कई मामलों में सच्चाई से बचना ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। लोगों को सच बताना अक्सर और परेशानी तक ले जाता है, तो इसे अच्छा है कि एक झूठे सच को पेश किया जाए, वो जो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कई लोगों की कल्पना से खेलना आना चाहिए। सोचे कि वो क्या सुनना चाहते हैं और उनको वही सुनाएं। प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे का पता लगाएं। हर किसी की कोई कमजोरी होती है। कोई भी कमजोरी न होना नामुमकिन है। एक दुश्मन को खत्म करने की चाबी ये पता लगाने में है कि उसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी कहीं भी ढूंढी जा सकती है। एक बार आपने किसी की कमजोरी ढूंढ ली तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अपने तरीके से शाही बनो। एक राजा की तरह व्यवहार करो, एक जैसा व्यवहार करो। सबने ये कहावत सुनी है कि दूसरे से वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। ग्रीन इसे एक कदम और आगे ले गए हैं। वो कहते हैं कि आप इस तरीके से काम करें जैसा आप करवाना चाहते हैं। अगर आप ताकत और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो लोग आपको ऐसे इज्जत करेंगे जैसे कि आप राजा हो। अगर आप नर्वस होंगे और चुपचाप सीधे साधे तरीके से काम करेंगे तो लोग आपकी ज्यादा इज्जत नहीं करेंगे। अपने काम से सम्मान हासिल करें। समय की कला में महारत हासिल करें। वक्त ही सब कुछ है। अपने आप को एक मरीज की तरह पेश करें और कभी जल्दबाजी में न रहे। हड़बड़ी में रहना बताता है कि आपने कंट्रोल खो दिया है और आप खुद को और अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकते हैं। सही मौके के जासूस बनिए। सही वक्त को भांपते रहे, इससे आपको ताकत मिलेगी। जब तक सही समय ना आ जाए तब तक चुप रहना सीखे और जैसे ही सही वक्त आए तो जमकर वार करे। उन चीजों का तिरस्कार करें जो आपके पास नहीं है। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। The 48 Laws of Power Hindi। सामने आने वाली किसी भी परेशानी को अनदेखा करें। परेशानी को अनदेखा करने से परेशानी को आपके ध्यान की कमी खलेगी और धीरे धीरे परेशानी खत्म हो जाएगी। जबकि अगर आप परेशानी पर ध्यान देंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अपने दुश्मनों के बारे में सोचिए। उन पर ध्यान देकर उनकी ताकत बढ़ाने से बेहतर है कि आप उन्हें न देखें और उनको आपके ध्यान की कमी खलने दें।
इसी तरह उन चीजों के साथ करें जो आप पाना चाहते हैं पर पा नहीं सकते। कभी लोगों को पता न चलने दें कि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए और इस तरह आप खुद में एक बड़े और ताकतवर इंसान को देख पाएंगे। सम्मोहक चश्मा बनाएं। जैसा कि हमने पिछले कानून में समझा है कि आप कैसे दिखते हैं वही सब कुछ है। आपको अपने रूप और आसपास के माहौल को सुंदर कल्पनाओं, बड़ी बातों और बड़े हाव भाव से बेहतर बनाना चाहिए। लोगों को बड़े बड़े दृश्य दिखाकर आकर्षित करें। ये चश्मा आपके असली इरादों से ध्यान हटाने का भी काम करेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सोचे लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप समय के खिलाफ जाकर दिखावा करेंगे, अपने पुराने विचारों और तरीकों को दिखाएंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आप उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। भीड़ में घुल मिल जाना बेहतर है। जब आप लोगों से घिरे हुए हो तो उनकी सोच और विचारों को समझें। अपनी सच्चाई सामने ना रखें जब तक कि आपके खास दोस्त और साथी आपकी बात को ना समझने लगे। मछलियां पकड़ने के लिए पानी को हिलाओ। हमेशा शांत रहने की कोशिश करें। वो बताते हैं कि गुस्सा और भावनाओं को दिखाने से कभी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका दुश्मन गुस्सा दिखाता भी है तो भी अगर शांत रहकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके पास सारी ताकत होगी और सारा फायदा मिलेगा। मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। कोई भी रखने लायक चीज की कीमत चुकाना तो बनता है और जो भी चीज मुफ्त है वो रखने लायक नहीं है। मुफ्त मिलने वाली किसी भी चीज में दबा हुआ काम या भटकने वाली तरकीब छुपी होती है। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप हर चीज की कीमत चुकाते हैं तो आप फ्री में मिलने वाली किसी भी चीज की आपको पूरी कीमत चुकानी चाहिए बिना किसी मोलभाव के। अपनी दौलत से उदार और आत्मविश्वासी बनना आपकी ताकत को दिखाता है। एक महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। ग्रीन स्वीकार करते हैं कि बहुत अमीर माता पिता का होना मुश्किल हो सकता है और ऐसा आदमी बनना जो महान और प्रभावशाली है। ये जरूरी है कि आप उनकी सुरक्षा से घबराए नहीं और ना ही उनकी परछाई में अटक जाए। आप खुद की सफलता और अपने नाम बनाने के हकदार हैं। उनको पीछे छोड़ने के लिए आपको उनसे ज्यादा सफल होना होगा। आप ऐसा करने के लायक है और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। चरवाहे को मारो और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। ताकतवर और शक्तिशाली आदमी अभिमानी होगा और आम तौर पर परेशानियों का सामना करना होगा। ये लोग बहुत सी चिंता और नाटक का साधन होते हैं। ऐसे लोगों को खुद को प्रभावित करने का मौका देना हानिकारक है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको